साउथ रेंज साइबर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के सदस्य को काबू किया है। आरोपी नीतीश कुमार बिहार के जिला नवादा के गुंभीरपुरदा संभे का रहने वाला है, जिसे ठग एक कड़ी के रूप में इस्तेमाल करते थे। पुलिस का कहना है कि ठगों ने आरोपी नीतीश कुमार को 15,000 रुपए की सैलरी पर रखा हुआ था। पुलिस जांच में सामने आया है कि नीतीश के 3 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें करीबन 1 साल में 90 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन की गई है। इतनी बड़ी राशि के ट्रांजैक्शन होने से आप समझ सकते हैं कि ठगों ने ऐसे कितने लोगों को अपना शिकार बनाया होगा। इस ठगी के कारनामे में नीतीश किसके इशारे पर काम करता था और कब से कितने लोगों को ठगी का शिकार ये गिरोह बना चुका है, ये पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। लेकिन यहाँ हम आपको बता दें कि रेवाड़ी जिले के गांव महेश्वरी में विकास नगर निवासी देवेंद्र कुमार ने पुलिस में जनवरी माह में शिकायत दी थी कि किसी ने लक्की ड्रा में कार निकलने का झांसा देकर उससे 4,28,700 रुपये ठग लिए हैं। देवेंद्र ने 2 साल पहले किसी हर्बल कंपनी से दवाइयाँ खरीदी थी, उसी दवाइयों का जिक्र करके ठग ने देवेंद्र को झांसे में लिया और फिर फोन पे के जरिए लाखों रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। साउथ रेंज साइबर थाना पुलिस ने इस वर्ष की पहली FIR दर्ज कर जांच शुरू की। जिन मोबाइल नंबर और बैंक खातों का ठगी के लिए इस्तेमाल किया गया, पुलिस जांच करते करते बिहार के नवादा जिला जा पहुंची, जहां से खाता धारक नीतीश कुमार को काबू किया गया। जांच में सामने आया है कि करीबन 6 बैंक खातों में बारी बारी से पैसे ट्रांसफर किए गए। यहां आपको बता दें कि अगर आप भी ऑनलाइन ठगी का शिकार होते हैं तो बिना देरी किए पुलिस को शिकायत करें, ताकि उक्त बैंक खाते को फ्रीज कराकर आपको आपके पैसे दिलाए जा सकें। बहरहाल पुलिस ने आरोपी नीतीश कुमार को पुलिस रिमांड पर लिया है और आरोपियों के खाते के लेन देन को रुकवा दिया है। अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि उसके साथ कौन कौन लोग शामिल थे और कब से कितने लोगों को अब तक शिकार बनाया जा चुका है। जो साइबर पुलिस स्टेशन साउथ रेंज रिवाड़ी है, इसमें FIR नंबर 1 में एक हमें शिकायत प्राप्त हुई थी श्री देवेंद्र कुमार की तरफ से कि वो एक हर्बालाइफ प्रोडक्ट हैं, वो खरीदते हैं, तो उनको एक मैसेज प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया कि आपका लक्की ड्रॉ निकला है और आपकी एक गाड़ी नेक्सॉन, टाटा नेक्सॉन की एक गाड़ी आपकी उसमें लक्की ड्रॉ में निकली है। तो उस आधार पर जो फ्रॉडस्टर्स हैं, इन्होंने श्री देवेंद्र कुमार जी को कॉन्टेक्ट किया और इन जो सीरीज ऑफ पेमेंट इनसे उन्होंने ली और करीबन 4,28,700 रुपये जो रुपीज़ जो जमा इन्होंने कराए वेरियस अकाउंट्स में। और इसकी शिकायत जब बिकॉज इट वाज अ फ्रॉड था ये सारा, तो जब इनको मालूम हुआ तो इन्होंने शिकायत दी थी। आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जो अकाउंट स्टेटमेंट है उसको स्टडी किया, जो हमारी साइबर टीम्स हैं, वेरियस नोडल ऑफिसर्स, वेरियस पेमेंट गेटवेज हैं जो उनसे कॉन्टैक्ट में रहती हैं, और बारीकी से जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको ये स्क्रूटनी और उसको एनालाइज करते हैं। वो करते हुए यह पाया कि वेरियस अकाउंट्स के से वो पैसा होता हुआ एक पर्टिकुलर अकाउंट में गया और वहाँ से उसको विड्रॉ किया गया है। तो उस इंडिविजुअल को, उस एक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया गया। आइडेंटिफाई करके अंडर जो SHO साइबर पुलिस स्टेशन है, उन्होंने एक टीम बनाई और एक टीम को बिहार में स्टेट में रवाना किया गया। और आगामी कार्रवाई करते हुए जो मुख्य आरोपी है नीतीश कुमार जी, नीतीश कुमार को अरेस्ट किया है, जिन्होंने 3 बैंक अकाउंट्स खुलवाए हुए थे और उन तीनों ही अकाउंट में साइबर जितने भी फ्रॉड का जो पैसा आता है वो पैसा आता था। तो जो अकाउंट स्टेटमेंट्स को स्टडी किया तीनों, तो अबाउट 90 लाख रुपीज़ अक्रॉस ईयर्स इन तीन अकाउंट्स में आ चुका है। इनको पुलिस रिमांड पे लिया गया। इन्होंने डिस्क्लोज किया कि जो और 2 अन्य फ्रॉडस्टर्स हैं उनकी इन्होंने आइडेंटिफिकेशन भी बताई है और वो हमने चिन्हित कर लिए हैं, शीघ्र ही उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे। तो ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन नीतीश ने बताया है कि भाई
कि ये उनके लिए काम करता था फ्रॉडस्टर्स के लिए, और फॉर एवरी ट्रांजेक्शन एवरी मंथ ये इनको 15,000 रुपीज़ देते थे। और अकाउंट्स जो हैं वो नीतीश के नाम है, 3 अकाउंट्स हैं उनकी, जो जो बैंक्स हैं बैंक्स को हमने इंटीमेट कर दिया है ताकि इन अकाउंट्स को जो फ्रीज है वो कराया जा सके और कोई और जो व्यक्ति है वो साइबर फ्रॉड का शिकार ना हो। पहले भी सर कुछ है जैसे वारदातें भी उन्होंने काफ़ी कर रखी, जैसे आप बता रहे कि 90 लाख रुपए तो इन पे कोई केस पहले से है ऑलरेडी? अभी जो नीतीश है, नीतीश अभी तक पकड़ा नहीं गया था, और परंतु अब क्योंकि 90 लाख की ट्रांजेक्शन आई हैं अकाउंट्स में, तो हम इंडिविजुअल जो ट्रांजेक्शन है उसको स्टडी कर रहे हैं, और जितने भी और लोग हैं जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ है उनको भी उचित माध्यम से पुलिस इंटीमेट करेगी। सर आम लोगों के लिए पुलिस अवेयरनेस करने के लिए क्या कुछ स्कोप कर रही है? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अगर कोई फ्रॉड साइबर फ्रॉड होता है तो सबसे पहले एक हमने एक हेल्पलाइन जारी किया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप उस पर कॉल करें 1930 पर, और 1930 पर हमारे जो असिस्टेंट बैठे हुए हैं वो बेसिकली एक कंप्लेनेंट को गाइड करते हैं कि उनके उनके साथ किस प्रकार का फ्रॉड हुआ है, तो क्या उसमें एक्शन बनेगा किस प्रकार से, वो उनसे डिटेल भी लेते हैं। और अगर आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं तो इमीडिएटली जो भी इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू योर ट्रांजेक्शन, वो इन्फॉर्मेशन जो कंसर्नड जो वेरियस पेमेंट गेटवेज हैं या बैंक्स हैं उनके नोडल अधिकारियों को जाती है। तो एज सून एज पॉसिबल अगर हम इस पे कन्वे करते हैं हेल्पलाइन पे, तो वो जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसको हम रुकवा सकते हैं, उसको फ्रीज करवा सकते हैं, तो जो पैसा आपका आपके अकाउंट से कटा है उसको रुकवाया जा सकता है, प्रोवाइडेड आप एक इसमें स्विफ्टली एक्ट करें। इसके अलावा हमने प्रत्येक थाने में जो हमारे पुलिस स्टेशन है साइबर डेस्क लगाए हैं, जिसमें हमने 3 इंडिविजुअल्स को जो 3 हमारे पुलिस पर्सनल हैं उनको नियुक्त किया है, जिनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है साइबर जो ऑफेंसेस हैं उसके संदर्भ में। और आप जैसे ही थाने में जाते हैं आप साइबर डेस्क पे अपनी कंप्लेंट दें, और वो भी अतिशीघ्र कार्य करते हुए जो कंसर्न्ड नोडल एजेंसीज हैं उनको अवगत कराते हैं और स्विफ्ट एक्शन होता है। साथ में जो एंटायर हमारी जो साउथ रेंज है उसके लिए एक साइबर पुलिस स्टेशन है, तो तुरंत क्योंकि ये स्पेशलाइज्ड फोर्स है साइबर ऑफेंसेस को डील करने के लिए ये बनाई गई है, तो तुरंत इस पे कार्रवाई हो रही है। बट फिर भी मैं जो आम जनता है उनको आग्रह करूँगा कि अपना OTP या अपना जो CVV नंबर है या पिन है किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि कोई भी बैंक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपसे OTP और जो पिन है वो नहीं मांगता है। और जागरूक रहें, कुछ एक फ्रॉडस्टर्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं कि आपका लकी ड्रॉ निकला है या आपका KBC में इनाम निकला है या आपकी गाड़ी निकली है, ऐसे जो फ्रॉडस्टर्स हैं उनसे सावधान रहें।